आपकी जो पार्टी है उसका मेन बेस बिहार है, आप दिल्ली प्रदेश के बिजनेस सेल के अध्यक्ष हैं, तो इस नाते आपके क्या काम है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत देश काफ़ी बड़ा है और किसी भी देश में सरकारी नौकरी करने वाले लोग वहाँ की कुल आबादी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% हो सकता है। तो सरकारी नौकरियों पे सिर्फ 1% लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 99% जो जनसंख्या है उनको किसी न किसी तरह के उद्योग धंधे पे ही काम करना है और उद्योग धंधों से ही अपना काम चलाना है। इसी सिलसिले में भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में हर राज्य के लोग आकर के रहते हैं, चाहे वो तमिलनाडु से आए हों, महाराष्ट्र से आए हों, गुजरात से आए हों, राजस्थान से आए हों, बिहार से आए हों, उत्तर प्रदेश से आए हों, यहाँ आकर के लोगों को बहुत सारी जानकारी का अभाव रहता है। हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी की लिस्ट होती है, जो लोग नया उद्योग लगाना चाहते हैं, नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, तो कैसे उनका पैन कार्ड बनेगा, उनको क्या क्या सुविधाएं चाहिए। कि कोई आदमी आया जी, अब उसे दिल्ली में कंपनी खोलनी है जी, व्यवसाय शुरू करना है, तो आप उसको कैसे सहायता करेंगे? हमारे पास एक लिस्ट होता है जिसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, उन डॉक्यूमेंट दे करके और आपको बहुत सारा कागजी कार्रवाई वो करा देते हैं, तो आपका आसानी से कंपनी रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड फर्म आपका रजिस्टर हो जाता है। मतलब कि जो बाहर से कोई आया है तो उसे इस बात की परेशानी नहीं होगी, वो दिल्ली में किसी को नहीं जानता, वो कहाँ जाए? वो हमारे पास आए, हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो क्या ये मान लें कि आपके जो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या मैं कह सकता हूँ कि वो सत्येंद्र जी से कॉन्टैक्ट करें और आप उनको बिजनेस में सहायता करेंगे? निश्चित रूप से हम उनकी मदद करेंगे, हर एक लेवल पे मदद करेंगे। अच्छा, ये आपकी इनिशिएटिव है या आपके पार्टी के एक प्रोग्राम का हिस्सा है? ये पार्टी के प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारी पार्टी सभी को लेकर के चलती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी देश के सिर्फ 1% लोग ही सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, तो सर्वांगीण विकास के लिए समाज के हर एक तबके को आगे बढ़ कर के आना है, चाहे वो उद्योगों में जाएं, प्राइवेट नौकरियों में जाएं, या किसी भी तरह का व्यापार वो चालू करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चालू करें, तो उनको जो भी सहायता चाहिए वो हम उनको सहायता देने को तैयार हैं। अच्छा, ये कब से बिजनेस सेल बना है? करीब आप 10 महीने? अच्छा, 10 महीने? अच्छा, 10 महीने से हो गया। इस तरह के सेल सिर्फ दिल्ली में है या फिर दूसरे राज्यों में भी है? बिहार में भी है? बिहार में भी है। अच्छा, तो आप दिल्ली सेल के अध्यक्ष हैं जी? ठीक है। और सत्येंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे खुशी हुई कि इस तरह की सेल जो है जनता दल यूनाइटेड ने शुरू की है। और आपने सही कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोजगार करने की जुनून तो है, उनके पास जुनून है, कार्य क्षमता भी है, दक्षता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है कि व्यापार कैसे शुरू करें, हम शुरू करें दिल्ली में, किसी को जानते नहीं है, किसी सीए के पास मिले पता चला पैसा ठग लिया। तो आप, मुझे लगता है कि आप ऐसे लोगों को सहायता करते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? निश्चित रूप से। ठीक है, तो आप जो आपके जो वीडियो जो देख रहे होंगे उन दर्शकों के लिए हो सकता है कि कोई किसी को ज़रूरत हो या फिर जो 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 चाहते हैं कि नया व्यापार शुरू करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अभी बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, आप आएँ और आपके मन में जो भी रोजगार के लिए कल्पना है कर रखी है आपने, आप उसको चालू करें और हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की ओर से जो भी मदद होगा हर तरह की सहायता आपको दी जाएगी। सत्येंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे फिर मिलेंगे। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि बाकी दूसरे पार्टियों को भी करना चाहिए और इस तरह के इनिशिएटिव से जो युवा हैं उनको एक डायरेक्शन ही मिलेगा, रोजगार ही मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।